Hello students, welcome back in the platform of electronics engineering. So today I will discuss operational amplifier specification, DC offset parameters. Op amp, DC offset parameters. हमारे सिलेबस में अच्छी तरह ये मेंशन है और 2 से 5 नंबर में पूछा जा सकता है. तो मैं बता दूं पहले आपको कि ये क्या क्या पैरामीटर होते हैं, डीसी ऑफसेट पैरामीटर. तो डीसी ऑफसेट पैरामीटर के बारे में बात करूं तो एक हमारा होता है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, दूसरी बात करूं तो फिर होता है एक इनपुट ऑफसेट करंट, और एक होता है हमारा आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज. ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर हो रहे हैं आपको, ये जो लिखा है मैंने 3 पॉइंट्स. देखिए, दो ही चीज़ें होती हैं किसी सर्किट में, या तो वोल्टेज होता है या करंट होता है, और दो टर्मिनल पॉइंट होते हैं, एक इनपुट होता है या तो आउटपुट होता है. तो अगर मैं इनपुट की बात करूं तो इनपुट में भी दो तरह के होंगे, एक तो ऑफसेट वोल्टेज होगा वोल्टेज, और एक होगी हमारी ऑफसेट करंट. दोनों ही हमारे सिलेबस में मेंशन है. अब मैं आउटपुट टर्मिनल की बात करूं तो आउटपुट में ऑफसेट वोल्टेज होता है. अब क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में कि सर आउटपुट में ऑफसेट करंट क्यों नहीं होती. तो ये जो आउटपुट में ऑफसेट करंट है, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं होता. पहली बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, ये जो चौथा पॉइंट अगर आपके माइंड में आ रहा है तो ये कुछ भी नहीं होता. क्यों नहीं होता उसको हम डिटेल में आज अभी डिस्कस करेंगे यार, क्योंकि आप ये समझिए ना, इनपुट की वजह से ही आउटपुट चीजें होती हैं. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आपके जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वजह से आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज होगा, और इनपुट ऑफसेट करंट की वजह से भी आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज होगा. ये दोनों की वजह से आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? एक ऑफसेट वोल्टेज मिलेगा, जो आज मैं पूरा डिटेल कैलकुलेशन करने वाला हूँ. लेकिन उस कैलकुलेशन के पहले जो मैं बात करने वाला हूँ, वो ये बात करने वाला हूँ आपसे कि अगर मैं एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि मेरा इनपुट मैंने दोनों जगह जीरो कर रखा है, यहाँ पर मेरा R1 R है, ये मेरा RF लगा हुआ है, लेकिन मेरा इनपुट क्या है? इक्वल टू जीरो, कोई इनपुट नहीं है. तो एक कॉमन इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का जो आंसर होगा वो ये होगा, सर अगर आपने इनपुट नहीं लगाया है तो जो आउटपुट मिलने वाला है आपको, वो आउटपुट भी जीरो होगा. ये चीज समझ में आती है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिस्कस कर रहा हूं मैं, बिल्कुल ग्राउंड एकदम कॉन्सेप्ट. इसमें मैंने दोनों जगह कहीं इनपुट लगाया ही नहीं, तो जब इनपुट नहीं लगाया तो आउटपुट कैसे मिल जाएगा? तो आउटपुट भी नहीं मिलेगा. ये एक आइडियल कंडीशन है. क्या है ये एक आइडियल कंडीशन. अब मैं थोड़ी देर के लिए ये आइडियल कंडीशन भूल जाता हूं, अब मैं क्या आ जाता हूं, प्रैक्टिकल कंडीशन पे आ जाता हूं. प्रैक्टिकल कंडीशन, और प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या देखता हूं मैं कि आउटपुट वोल्टेज मेरा इट इज ऑलवेज, देखो मैंने लिखा है ऑलवेज, हमेशा क्या होता है? नॉट इक्वल टू जीरो होता है. ये कहीं बुक में नहीं मिलने वाला आपको. ठीक है, क्या मैंने प्रैक्टिकल ग्राउंड पे क्या बात की? प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आपको आउटपुट वोल्टेज कभी जीरो नहीं मिलेगा, चाहे आप इनपुट जीरो लगा दो. इनपुट वोल्टेज इक्वल टू, इनपुट वोल्टेज आपने क्या किया? जीरो लगा दिया, लेकिन तब भी आपको क्या मिल रहा है? आउटपुट नॉट इक्वल टू मिल रहा है. तो फिर आउटपुट मिल क्या रहा है? कुछ तो मिलेगा ना आउटपुट. तो उसका हम नाम क्या रखें? उसका नाम होगा आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज. यानी कि मैंने इनपुट वोल्टेज नहीं लगाया है, लेकिन आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज जो मुझे मिल रहा है, जो भी आउट वोल्टेज मिल रहा है मुझे आउटपुट, वो मेरा आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज के नाम से जाना जाएगा. एक अच्छा कॉन्सेप्ट है. क्यों अच्छा कॉन्सेप्ट है? क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट आइडियल केस की बात करते हैं, वो बहुत सिंपल होता है ना, लेकिन आज मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल केस की बात करना चाहता हूँ.
तो फिर ये आउटपुट वोल्टेज, ये तो समझ में आ गया कि ये तो अगर हम इनपुट नहीं भी लगाएंगे तो भी ये मिलेगा हमें, लेकिन हम इसकी कैलकुलेट कैसे करें? तो फिर कैलकुलेशन में ये समझ में आया कि मैन्युफैक्चर जो होता है वो स्पेसिफाई करता है हमारा एक इनपुट वोल्टेज, हमने नहीं लगाया है कोई, लेकिन मैन्युफैक्चर ने ऑलरेडी लगा के दिया है। क्यों लगाया है उसने? उसने क्यों बोला है कि इनपुट एक वोल्टेज होगा, ऑटोमेटिकली होगा? क्यों होगा? क्योंकि अगर हम देखें तो इस पूरे सर्किट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट लगे हैं, और वो सारे के सारे कंपोनेंट प्रैक्टिकली बिहेव करते हैं। ऐसा तो नहीं सब कंपोनेंट बिल्कुल आइडियली बिहेव करेंगे, और कुछ ना कुछ नॉइस का इफेक्ट भी होता है। बिकॉज ऑफ नॉइस वोल्टेज कम्स इन द पैरेलल इन द इनपुट साइड, तो वो जो वोल्टेज आता है जो हमने नहीं लगाया है, बट इस पूरे सारे डिवाइसेस का इंटरनल कंपोनेंट की वजह से, एक्सटर्नल नॉइस की वजह से एक इनपुट क्रिएट हो रहा है इसमें, और वो मैन्युफैक्चर आपको किसी भी डिवाइस का वो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज बताएगा कि दिस इज द इनपुट वोल्टेज फॉर एन ऑपरेशन एम्पलीफायर दैट इज जनरेटिंग बिकॉज ऑफ इंटरनल डिवाइस। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, मैन्युफैक्चर क्या करेगा, आपको ये बताएगा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ये जो डिवाइस है इसके इंटरनल कंपोनेंट की वजह से इसमें एक इनपुट वोल्टेज क्रिएट हो रहा है, उसका कितनी वैल्यू का क्रिएट हो रहा है, कितने मिली वोल्ट का क्रिएट हो रहा है, वो सब कुछ आपको बताएगा। लेकिन आपने वो इनपुट सोर्स नहीं लगाया है, वो ऑलरेडी क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली उस इंटरनल कंपोनेंट की वजह से या एक्सटर्नल नॉइस की वजह से वो इनपुट वोल्टेज क्रिएट हो रहा है उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए, उसको हम इनपुट ऑफसेट वोल्टेज बोलते हैं। बहुत ध्यान से समझना है चीजें भाई, मतलब इस पे मैंने सोर्स वोल्टेज क्या किया है, जीरो। इस पे मैंने सोर्स वोल्टेज क्या किया, जीरो। दोनों जीरो हैं, बट ये कब है, आइडियल कंडीशन में। लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन में तो इंटरनल डिवाइस का इतना नॉइज होगा कि ऑटोमेटिकली एक इनपुट वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा, वो आपको कौन बताएगा? आपको नहीं मालूम, आप अगर कस्टमर हैं तो आपको नहीं मालूम डिवाइस के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है जिसने ये डिवाइस डिजाइन की है उसको पता है, तो वो क्या करेगा, वो आपको ये इनपुट ऑफसेट वोल्टेज के नाम से देगा कि ये इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है। समझ में आती बात? अब आप ये बताइए मुझे कि ये इनपुट ऑफसेट वोल्टेज से मुझे पता करना है कि कितना मेरा आउटपुट क्रिएट हो रहा है, वही मेरा आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज बन जाएगा। किसकी वजह से? इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वजह से। तो देखते हैं अभी थोड़ा सा, वही पुरानी वाली एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे मेरा निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, ये मेरा R1 है रजिस्टर, ये मेरा फीडबैक रजिस्टर है RF, और ये मेरा आउटपुट है। अब क्या करने वाला हूं मैं यहां पे एक ऑफसेट वोल्टेज लगाने वाला हूं, ये एक रजिस्टर भी लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज मे बी RC ले लेते हैं। ये क्या है मेरा V। अच्छा, एक और चीज आप याद रखेंगे वो है नोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आज मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, DC ऑफसेट वोल्टेज। तो जब भी ऑफसेट वोल्टेज की बात आएगी मैं ऐसे लिखूंगा, देखिए मैंने वोल्टेज के लिए V लिखा, अब मुझे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को लिखना है तो मैं सफिक्स में पहले आई लिखूंगा। आई क्या है, आई फॉर इनपुट, ऑफसेट वोल्टेज का ओ बनाऊंगा, तो ये मेरा क्या हो गया, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज हो गया। अब इसमें जो मुझे आउटपुट मिल रहा है वो आउटपुट क्या है बेसिकली, वो है मेरा आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज बिकॉज ऑफ ड्यू टू इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। आपको लग रहा होगा सर आपने इतना लंबा क्यों लिखा है, इसका कोई सिंबल नहीं है। नहीं, इसका भी कोई सिंबल नहीं है, क्योंकि ये इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वजह से जो मुझे आउटपुट मिल रहा है वही मेरा ऑफसेट वोल्टेज है। तो मैंने क्या किया, वी आउटपुट के ब्रैकेट में लिख दिया ऑफसेट वोल्टेज, वी आउटपुट वी ऑफसेट। अब वी इनपुट यहां पर लगाया। अच्छा, वी इनपुट कहां पर लगाया है, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये वाला कौन सा टर्मिनल है, दिस इज कॉल्ड एज ए नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये क्या है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है।
जब मैंने इसको यहां पर लगा दिया नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में, तो मेरा आउटपुट क्या मिलने वाला है इस वोल्टेज की वजह से, ये कैसे पता चलेगा? ये तो हमको प्रीवियस उस पर जाना पड़ेगा फॉर्मूला पे, और प्रीवियस फॉर्मूला होप यू रिमेम्बर, जरा बात कर लेते हैं पुराने स्लाइड की। ये देखिए मैंने पुराना स्लाइड भी रख रखा है आपके लिए। ये क्या है मेरा, ये वोल्टेज सोर्स है, ये कहां पर लगा है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में लगा है। इससे अगर आपको मैं बोलूं आउटपुट निकालना है, तो आपने मुझे क्या आंसर बताना है, वन प्लस आर एफ आर टू आर एफ डिवाइड बाई आर वन मल्टीप्लाइड बाई वी एस। तो इसी वाले का फॉर्मूले का अगर मैं इस्तेमाल यहां पर कर दूं तो गलत नहीं होगा ये वाला फॉर्मूला। तो यहां पर अगर मैं वी ऑफसेट लिखूंगा डिवाइड बाई क्या लिख सकता हूं, वी इनपुट ऑफसेट बराबर क्या लिखना चाहिए मुझे, वन प्लस आर एफ डिवाइड बाई आर वन। सर आपने कैसे लिख दिया, ये देखो पहली वाली क्लास में जो फॉर्मूला पढ़ा था हमने, वी एस ये कहां पर लगा हुआ है, ठीक है ये सपोर्ट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में लगा हुआ है, तो मैंने आउटपुट लिख दिया, बिल्कुल ठीक लिखा। तो अगर आपको कोई वी इनपुट मैन्युफैक्चरर बोलता है भाई मेरे पास जो इनपुट है ऑफसेट वोल्टेज वो इतना वोल्ट है मिली वोल्ट, और आर एफ और आर वन की वैल्यू आपको दे देता है, अब आपसे पूछता है कि आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज बताओ ड्यू टू इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, तो आप कहेंगे सर ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए और निकाल लीजिए, सिंपल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, वेरी सिंपल। चलो फिर, तो ये वाली हमारी जो स्टोरी थी इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वो खत्म हुई, और इनपुट ऑफसेट की वजह से क्या हुआ हमारा, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज भी क्रिएट हो गया। तो ये फर्स्ट और थर्ड आपस में कोरिलेशन था जो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको लग रहा होगा सर ये इनपुट ऑफसेट करंट क्या है, ठीक है तो चलिए अगले नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और बात करते हैं इनपुट ऑफसेट करंट। अच्छा इनपुट ऑफसेट करंट से क्या क्रिएट होगा, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। अब लेकिन ये इनपुट ऑफसेट करंट होता क्या है सर, ये नहीं मालूम इनपुट ऑफसेट करंट क्या होता है, पता नहीं है। चलो पता करते हैं जरा, फिर वही क्या करने वाला हूं मैं, वही बेसिक सर्किट हमेशा की तरह, मैं तो एक ही चीज जो है कि बेसिस क्रिएट करने की कोशिश करता हूं कि सब कुछ क्रिएट हो जाए। ये मेरा R1 है, ये मेरा ग्राउंड है, और यहां पर भी मैंने क्या किया ना, एक रजिस्टर लगा दिया है, ये लीजिए, और इसको भी मैंने सपोज करो कि R1 मान लिया, ठीक है, और ये मेरा ग्राउंड है। अब यहां दोनों जगह तो वोल्टेज लगा नहीं है, हमने बात की थी अभी, क्योंकि मैंने कोई वोल्टेज सोर्स लगाया ही नहीं, क्योंकि मुझे अगर वोल्टेज सोर्स लगाए बिना आउटपुट मिल रहा है तभी तो वो ऑफसेट आउटपुट कहलाएगा। अच्छा अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ये बात की थी कि भाई इसका रजिस्टर जो होता है इंटरनल कितना होता है, इसका इंटरनल रजिस्टर यहां अगर मैं बात करूं तो ये आर आई है, इंटरनल रजिस्टर कितना आर आई। अच्छा आर आई की वैल्यू कितनी होती है, आर आई बराबर कितना पढ़ाया मैंने आपको, इनफाइनाइट। लेकिन ये कब होता है, आइडियल केस में, लेकिन आज तो हम आइडियल केस डिस्कस नहीं कर रहे ना, तो फिर ये होगा होगा नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट होगा प्रैक्टिकल केस में, ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअली समझ में आ रहा है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे हैं प्रीवियस के, तो उसी बेसिस पे आई बिलीव कि ये भी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, याद नहीं करना है कुछ भी। तो ये क्या होने वाला है, नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट प्रैक्टिकल केस में, इसका मतलब इसके बीच में कुछ ना कुछ रजिस्टर होगा, यस बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी तो इनफाइनाइट की बात ही नहीं कर रहे भाई। अगर यहां पर रजिस्टर है मतलब इस दोनों पॉइंट में कनेक्टिविटी भी है, और जब कनेक्टिविटी है तो इसका मतलब ये जो करंट है और ये करंट है, इसमें जो करंट जा रहा है, पहले हम क्या करते थे आइडियल केस में दोनों करंट को क्या ले लेते थे, जीरो ले लेते थे, लेकिन इस बार नहीं ले सकते। तो इसमें मैंने क्या किया है, ये मैं इनपुट बायस करंट का नाम दिया है। असर आपने इनपुट बायस करंट ही क्यों दिया, ये एक नॉमन क्लेचर चला आ रहा है, लिखना कैसे ऐसे लिखना है, देखो करंट के लिए मैंने आई लिखा, इनपुट के लिए आई बनाया और बायस करंट के लिए बी बनाया। अच्छा इसमें क्या लिखना चाहिए, इसमें भी वही लिखूंगा मैं, आई बनाया ये इनपुट लिखा और बायस कर दिया। अच्छा लेकिन इन दोनों में डिफरेंस तो रखना है ना कुछ, ये करंट और ये करंट तो अलग अलग है, तो मैंने पॉजिटिव टर्मिनल में क्या किया ना, ऊपर पॉजिटिव बना दिया,
और निगेटिव टर्मिनल में ऊपर निगेटिव बना दिया, इतना सा डिफरेंस कर दिया जिससे कि दोनों करंट को मैं इजीली आइडेंटिफाई कर पाऊँ। समझ रहे हैं ना आप लोग? ये देखो ये आई बी प्लस है, ये कहाँ जा रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहा है, और ये क्या है, ये आई बी माइनस है जो निगेटिव टर्मिनल में जा रहा है। ये क्यों जा रहा है, क्योंकि ये एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर है। प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट नहीं होता, वो तो एक हाई वैल्यू होती है। वो कितनी होती है अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं बात करूं तो वो 10^6 ओम होती है। 10^6 ओम मतलब 1,000,000 ओम, बहुत ज़्यादा वैल्यू है लेकिन इनफाइनाइट नहीं है। तो ये करंट क्या होगी, ये बहुत कम करंट होने वाली है, बहुत कम लेकिन होगी ज़रूर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एज ए नेटवर्क स्टूडेंट मैं इस करंट सोर्स को ना वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने वाला हूँ। इसी वाले सर्किट को मैंने अब ऐसे ड्रॉ कर देना, दोबारा देखते जाना कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मेरा रजिस्टर था, ये मेरा R1 था, और ये भी मेरा रजिस्टर था, ये भी मेरा R1 था, लेकिन यहाँ पे करंट क्या था, आई बी माइनस। तो इसका देखो मैं सोर्स क्रिएट कर रहा हूँ, वोल्टेज सोर्स इसकी जगह। तो मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे, I इनपुट बायस करंट माइनस की मल्टीप्लाइड बाई R1। इसी तरह इसमें आपको थोड़ी देर वीडियो पॉज करके ये खुद से लिखना चाहिए, ये करंट के वैल्यू, तभी आप समझिए कि आपका नेटवर्क ठीक चल रहा है। इस पे करंट कितना था, आई बी प्लस, यानी करंट क्या होने वाला, आई इनपुट बायस करंट प्लस मल्टीप्लाइड बाई R1, ये इसका वोल्टेज सोर्स है। कैसे मैंने क्रिएट किया, थोड़ा सा आपको अपना नेटवर्क चेक करना पड़ेगा। अगर ये इनपुट करंट आ रही है तो उसके बेसिस पे मैंने क्या किया है, ये देखो ये इनपुट करंट है, इस इनपुट के बेसिस पे ये मैंने वोल्टेज सोर्स क्रिएट कर दिया, ये इनपुट वोल्टेज की करंट की वजह से मैंने ये वोल्टेज सोर्स क्रिएट कर दिया। अब क्या करने वाला हूँ मैं, फीडबैक लगाने वाला हूँ, उसको तो खत्म नहीं कर सकते ना, वो तो रहेगा रहेगा। ये क्या है, RF है, और ये मेरा V आउटपुट है। अब क्वेश्चन आता है कि आपके पास दो सोर्सेज हैं, तो दोनों को मैं अलग अलग सुपरपोजिशन से सॉल्व करने वाला हूँ। ये देखो ये मैंने ड्रॉ किया, सेकंड पेज हाफ पेज इधर ले लिया, पहले वाले को ड्रॉ करूंगा तो क्या करूंगा, इसको वाले को ग्राउंड कर दूंगा। इसका मतलब ये अगर मैं ड्रॉ करूंगा ऐसे तो गलत नहीं होगा, ये माइनस और ये प्लस, और ये क्या रजिस्टर मेरा, मैं इसको ग्राउंड कर दिया। ये है R1, ये भी है R1, और ये मेरा क्या है, ये पॉजिटिव, ये वोल्टेज है, ये इसकी वैल्यू क्या है, ये है आई बी माइनस का इंटू R1। ये एक फीडबैक रजिस्टर है, मैंने RF लगाया है, और ये मेरा ये आउटपुट है। अब याद आ रहा है आपको, ये किस वोल्टेज किस में लगा हुआ है, ये आपके निगेटिव टर्मिनल में लगा है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में लगा हुआ है। तो चलो जरा फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं भाई, प्रीवियस स्लाइड्स मैं हमेशा रखता हूँ आपके लिए, प्रीवियस स्लाइड्स कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है आपको इसकी। फॉर्मूले तो बेसिक फार्मूले तो याद होना चाहिए, लेकिन अच्छी बात है अगर ये ज़रूरत पड़ रही है पुरानी स्लाइड्स का। तो देखिए ये मैंने इनपुट सोर्स लगा रखा है, ये कहाँ पर लगा रखा है मैंने, ये नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग टर्मिनल में निगेटिव में लगा रखा है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, वी आउटपुट बटे वी एस बराबर माइनस R2 अपन R1। तो यही यहाँ भी करने वाला हूँ मैं, कोई नई चीज़ नहीं करने वाला। तो फिर यहाँ पे ये आउटपुट क्या लिखूंगा मैं, वी आउटपुट बराबर यहाँ पे मैं लिखूंगा आई बी माइनस इंटू R1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का RF डिवाइड बाई R1। इसमें तो डाउट नहीं है ना भाई, ये तो अभी हमने बहुत बेसिक इक्वेशन को लेके सॉल्व कर दिया है। दूसरा वाला कैसे सॉल्व करेंगे सर आप, दूसरा वाला भी कर दूंगा भाई मैं तो आपके लिए, हर सर्किट डिटेल में सॉल्व करूंगा सर। प्रैक्टिस वो तो आपको करनी है। ये मैंने क्या किया, R1, और ये मैंने ग्राउंड कर दिया। अब कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि सर आपने इसको ग्राउंड कर दिया है क्यों, अरे भैया सुपरपोजिशन चेक करो ना, सुपरपोजिशन में अगर मैं दूसरा वोल्टेज ले रहा हूँ तो पहला वाला क्या करूँगा, ग्राउंड ही तो करूँगा, उसको भी ले लूँ क्या साथ में, नहीं ले सकते भाई। अब इसका वोल्टेज की वैल्यू क्या है, ये है IB+R1, बहुत अच्छी बात है ये तो सर। और ये क्या लगा है, फीडबैक लगा है, तो बहुत सिंपल बात हो गई फिर तो। हाँ
अब इसका आउटपुट वोल्टेज, फिर मुझे पुरानी वाली स्लाइड निकाल लेता हूँ भाई आपके लिए मैं, ये देखो वोल्टेज कहाँ पर लगा है, पॉजिटिव टर्मिनल में। तो फॉर्मूला क्या होगा, वी आउटपुट अपॉन वी एस बराबर 1 प्लस R2 अपॉन R1। तो वही फॉर्मूला यहाँ लगा देता हूँ मैं, तो लिख देता हूँ फिर मैं यहाँ पर वी आउटपुट बराबर क्या है, ये तो वोल्टेज सोर्स तो लिख देता हूँ पहले, ये वी आई बी प्लस आर वन मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस RF अपॉन R1। तो सर ये क्या लिख दिया आपने, ये मैंने दूसरे सोर्स से लिख दिया, अब आप मुझे बताओ सोच के जरा कि ये और ये दोनों देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि RF की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इस पे एक एजम्पशन लगा देता हूं मैं, क्या एजम्पशन लगा रहा हूं मैं कि RF की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो क्या होने वाला है इसमें, अगर मैं एक एजम्पशन लगा दूं कि RF इज ग्रेटर देन R1, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वी आउटपुट बराबर इस तरह लिख सकता हूं क्या मैं, आई बी प्लस आर वन, वन को मैंने निगलेक्ट कर दिया है, क्यों सर निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि RF की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो जब बहुत ज्यादा है तो ये वैल्यू बहुत लार्ज होने वाली है, तो जब ये लार्ज वैल्यू होगी तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ RF डिवाइड बाई R1। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का यही सबसे एडवांटेज वाली बात होती, जब चाहे जिसको जो एज्यूम करना है एज्यूम कर लो, सिंपल बनाने के लिए, यूनिवर्सिटी के लेवल के क्वेश्चन तो सिंपल ही आते हैं ना, तो ये देखो मैंने सिंपल करने के लिए क्या किया, RF को ग्रेटर देन R1 एज्यूम कर लिया, तो मेरा ये बन गया। अच्छा ये क्या बन जाएगा, ये भी आउटपुट क्या निकाला है मैंने इससे, ये मेरा बन जाएगा आई बी प्लस इंटू RF, क्यों सर, क्योंकि R1 तो कट गए, तो ये तो मेरा यार ये बन गया, तो बड़ा सिंपल सा आ गया छोटा सा। अच्छा इसमें भी कर सकते हैं क्या RR कैंसिल, हाँ इसमें भी कर सकते हैं, तो फिर इसका क्या बन के आएगा, वी आउटपुट बराबर आई बी माइनस RF, ये लो ये भी वही हो गया। अच्छा इसमें इस वाले इक्वेशन में ये वन इक्वेशन लिख लेता हूँ, ये टू लिख लेता हूँ, इसमें कोई फर्क नजर आ रहा है आपको, दोनों में क्या फर्क है, करंट का फर्क है दोनों में, इसमें क्या है आई बी यानी इनपुट बायस करंट कौन सा, ये माइनस वाला है मतलब निगेटिव टर्मिनल का है, और ये इसमें पॉजिटिव टर्मिनल का है। अच्छा अब मुझे ओवरऑल ऑफसेट वोल्टेज निकालना है, क्या करूं, दोनों को ऐड करूं या ना करूं, सुपर पोजिशन वाले स्टूडेंट हो भाई आप, तो सुपर पोजिशन पढ़ चुके हो, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल में भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी है, तो लगा रहता है, तो पार्ट है आपका, तो फिर ये अलग अलग सोर्स से मैंने निकाला है ना दोनों, तो दोनों का सम भी तो करना पड़ेगा मुझे। तो अब अगर मुझसे आप ओवरऑल ऑफसेट वोल्टेज पूछें, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ओवरऑल ऑफसेट वोल्टेज टोटल, तो मुझे ये लिखना चाहिए, दोनों को ऐड करके लिखना चाहिए, ये आई बी माइनस RF, अच्छा ये माइनस का आएगा, क्यों, ये देखो ये माइनस लगा ना, तो माइनस भी आएगा, तो ये माइनस का हो गया प्लस आई बी प्लस RF, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ये वाला इक्वेशन भाई समझ में आना चाहिए ये दोनों, ये देखो ध्यान से ये वाला इक्वेशन। अब देखो कंक्लूड कर रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट सारा हो गया कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक, जो कॉन्सेप्चुअली चीज़ें थी वो मैंने डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। अब तो अब क्या इसकी को रिपीट करके लिखने वाला हूँ मैं, ये ऑफसेट वोल्टेज है, तो यहाँ पे लिख दूँ ये ऑफसेट वोल्टेज, ये देखो ये भी ऑफसेट है, अच्छा ये वी ऑफसेट बस लिखूं या और भी कुछ लिखूं, मेरे ख्याल से एक चीज और लिखनी चाहिए, ड्यू टू इनपुट ऑफसेट करंट, ये क्यों लिखा मैंने, देखो अभी बताता हूं, ये देखो ये वी आउटपुट बराबर, अब इसमें क्या कर रहा हूं मैंने, ये RF को कॉमन ले ले रहा हूं, तो ये बन गया मेरा आई बी प्लस माइनस ऑफ आई बी माइनस इंटू RF। अब ये वाली चीज थोड़ी सी जानने वाली बात है कि इसको मैं क्या नाम देने वाला हूं, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल की बायस करंट है और ये नेगेटिव टर्मिनल की बायस करंट है, दोनों का जो डिफरेंट होता है उसी को मैं आई इनपुट ऑफसेट करंट बोलता हूं, ठीक। तो अगर आपसे ये देखो आज के बाद कोई बोले कि भाई ये एक प्रैक्टिकल ऑप एम्प है,
तो आप बोलोगे अगर ये प्रैक्टिकल ऑप एम्प है और मुझे आपके इसमें ऑफसेट करंट या ऑफसेट वोल्टेज की बात करें, तब आपको क्या कहना है कि अगर ये प्रैक्टिकल ऑप एम्प है तो यहाँ पर जाने वाली जो करंट होगी वो जीरो नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू होगी कुछ ना कुछ। और वैल्यू क्या होगी, हमने निगेटिव टर्मिनल पे आई इनपुट बायस करंट आई माइनस ले लिया, इनपुट बायस करंट प्लस वाला हमने प्लस का टर्मिनल का ले लिया, और हमने ये बोला कि भाई इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या होने वाला है, वही मेरा इनपुट ऑफसेट करंट होने वाला है। देखो ये वाला बीच वाला सेकेंड टर्म इनपुट ऑफसेट करंट, तो ये वाला इनपुट ऑफसेट करंट मेरा होने वाला है। अब इन दोनों करंट के लिए मैंने दोनों के लिए वोल्टेज सोर्स बना दिए यहां पर, और दोनों सोर्स को अलग अलग लेके सुपर पोजिशन लगा के सॉल्व कर दिया, तो मेरा ये क्या निकल आया, आउटपुट वोल्टेज निकल आया। अच्छा आउटपुट वोल्टेज किसकी वजह से निकला, आउटपुट वोल्टेज निकला इनपुट बायस करंट की वजह से, और ये भी एक इनपुट बायस करंट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल की है, ये निगेटिव टर्मिनल की है। फिर हमने इसको और सॉल्व किया थोड़ा सा, तो देखा कि आरएफ तो कॉमन निकल आया है, तो फिर हमारा इनपुट बायस करंट क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल का माइनस ऑफ निगेटिव टर्मिनल का। तो फिर हमने कहा ये तो वही पुरानी करंट है, ये तो इसी को तो इनपुट और ऑफसेट करंट बोलते हैं। तो फिर अगर आपको ऑफसेट वोल्टेज पूछा जाए, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज इनपुट ऑफसेट की करंट की वजह से, तो आप कहेंगे ये। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज बताओ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वजह से, तो ये है जो हमने पहले पहले सॉल्व किया था। तो चलिए आपके लिए ना मैं एक समरी बना देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ऑफसेट टर्म सुन सुन के आप जो है थोड़ा सा आपका जो है एक कॉम्प्लेक्सिटी माइंड में क्रिएट हो रही हो, जैसा कि एक स्टूडेंट के साथ होती है जब फर्स्ट टाइम वो कोई टर्म्स सुनता है। तो बात कर लेते हैं, ये मैंने ऑपरेशनल एम्पलीफायर की शुरू में बात की थी, जिसमें मैंने एक नेगेटिव ने पॉजिटिव की बात की थी, फिर मैंने कहा था भाई एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक फीडबैक होता है और ये एक मेरा आउटपुट है, और ये मैंने ग्राउंड कर दिया था, और दूसरा भी रजिस्टर लेके मैंने वो भी ग्राउंड कर दिया था। मान लेते हैं ये आर वन है, ये आर एफ है, यहाँ पे भी आर वन मान लो। अब हमने ये बात की थी कि भाई आउटपुट तो मिलेगा नहीं हमें, क्यों हम इनपुट अप्लाई नहीं किया, तो ये तब बात करी थी हमने आउटपुट इक्वल टू जीरो अगर ये आइडियल केस है। आज तो आइडियल केस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आज तो प्रैक्टिकल केस डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर हमने कहा कि भाई कुछ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होता है, और इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को हमने लगाया, कैसे लगाया ये देखिए पहली वाली स्लाइड। हमने क्या कहा भाई, मैन्युफैक्चर आपको बताएगा तो आप क्या करोगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल में ये वोल्टेज लगा देना। तो व्हेन कस्टमर इज नॉट गोइंग टू अप्लाई एनी वोल्टेज, बट बिकॉज ऑफ इंटरनल डिवाइस एंड इंटरनल कंपोनेंट ऑफ द सर्किट एंड बिकॉज ऑफ द नॉइस, फ्यू मिली वोल्ट एग्जिस्ट एज ए इनपुट वोल्टेज विच इज कॉल्ड एज इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो फिर बात समझ में आ गई हमारे कि भाई हाँ ठीक है यार, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज तो हो सकता है नॉइज वगैरह की वजह से, तो इनपुट ऑफसेट की वजह से फिर हमारा ये आउटपुट भी हो सकता है ऑफसेट वोल्टेज। तो अगर मैं लिखूंगा तो मैं इस तरह लिखूंगा, वी आउटपुट ऑफसेट ड्यू टू इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। अब इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का सिंबल क्या है भाई, वी तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि वोल्टेज है, और इनपुट में है तो आई लिख दो, और ऑफसेट वोल्टेज का ओ लिख दो, तो ये भी ब्रैकेट में लग जाएगा। तो ये पूरी एक लाइन आपको समझ में आनी चाहिए, क्या लिखा है मैंने, आउटपुट का ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू किसकी वजह से, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वजह से। तो इसका फॉर्मूला निकल के आया फिर सर, क्या फॉर्मूला गया, इसका फॉर्मूला निकल के आया था हमारे पास वी इनपुट ऑफसेट मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस आर एफ डिवाइड बाई आर वन। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बता दीजिएगा। फिर अगला सवाल आता है कि जैसे कि हमने डिस्कस किया कि भाई सर ये तो प्रैक्टिकल ऑप एम्प है, जब प्रैक्टिकल ऑप एम्प है तो भाई हम ये जो करंट अंदर जा रही है इसको हम क्या लेते हैं, इसको हमने ले लिया आई, अब ये इनपुट बायस करंट है माइनस की और ये है इनपुट बायस करंट है प्लस टर्मिनल की। तो फिर हमने डिफाइन कर दिया कि भाई अगर आपसे कोई इनपुट ऑफसेट करंट पूछे कभी, तो पहले तो आपको सिंबल बनाना आना चाहिए। तो ये करंट का सिंबल कैसा होता, आई, लो आई बना दिया।
अब ये ऑफसेट करंट है और किस साइड की इनपुट की है ना, तो इनपुट में क्या लिखना चाहिए, आई लिखना चाहिए, ऑफसेट के लिए वो लिखना चाहिए और क्लोज कर देना चाहिए। ठीक, इनपुट ऑफसेट करंट कोई आपसे पूछे तो आप बोलेंगे भाई ये जो बायस में करंट जा रही है ना, इनपुट बायस में ये पॉजिटिव टर्मिनल की करंट ले लो और इनपुट बायस की निगेटिव टर्मिनल की करंट ले लो, इन दोनों को माइनस कर दो तो इनपुट ऑफसेट करंट मिल जाएगी। अब आप पूछेंगे सर ये वैल्यू कैसे पता चलेगी, ये वैल्यू आपको गिवन होगी, ये आप पता नहीं कर सकते कहीं, इसका कोई सोर्स नहीं है कि आप इसको पता कर सको, ये सब क्या है मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन पार्ट होता है, आप कस्टमर एंड पे बैठे हो ना तो आपको ये पता नहीं है, आपको ये माइनस करोगे तो ऑफसेट वोल्टेज मिल जाए। अब आपसे कोई पूछेगा कि भाई ये तो हमारा पहला ऑफसेट वोल्टेज था, अब सर दूसरा ऑफसेट वोल्टेज बताओ वी आउटपुट ऑफसेट, लेकिन इस बार क्या है ड्यू टू, क्या लिखना चाहिए मुझे, ड्यू टू इनपुट ऑफसेट करंट, इनपुट ऑफसेट करंट का सिंबल क्या, करंट का सिंबल आई और इनपुट ऑफसेट मतलब आई, ये आई करंट के लिए और ये आई इनपुट के लिए और ओ मतलब ऑफसेट। ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, ये वैल्यू वैल्यू ऐसे निकलेगी जो अभी हमने डेरिवेशन किया इतना लंबा चौड़ा, ये देखो ये वैल्यू निकाल के रखी है मैंने आपके लिए, तो क्या लिखने वाला हूं मैं यहां पे, इनपुट करंट इनपुट ऑफसेट की करंट मल्टीप्लाइड बाई क्या करूंगा आर एफ। तो फिर हमारे पास दो जो है अच्छे अच्छे फॉर्मूले तैयार हो गए, पहला फॉर्मूला ये हमारे पास तैयार हो गया भाई, ये भी क्या है, ये भी एक ऑफसेट करंट है, ये ऑफसेट वोल्टेज है, कहाँ का आउटपुट का, लेकिन ये किसकी वजह से, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वजह से, ये नहीं भूल सकते आप, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वजह से ये आपके पास आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है। और सर ये क्या है, ये भी आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है, ये देखो ये आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज ही तो है ये, लेकिन ये किसकी वजह से, ये इनपुट ऑफसेट करंट की वजह से है, ये देखो मतलब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, अगर इनपुट ऑफसेट करंट होगी तो भी आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज हो सकता है और इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होगा तो भी आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज हो सकता है। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि अगर सर दोनों होंगे तब तो दोनों की वजह से वोल्टेज होगा, लेकिन तब आपको ओवरऑल लिखना पड़ेगा, तो फिर अगर आपके लिए मैं ओवरऑल फॉर्मूला लिखूं तो मैं कुछ ऐसा लिखना चाहूंगा कि वी आउटपुट ऑफसेट, ये इसका मॉड अगर मैं लिखूं, ये क्या हाइडन डालना चाहिए मुझे, ये क्या लिखा है ओवरऑल, मतलब ये टोटल आउटपुट ऑफसेट करंट निकालूं अगर मैं, इसकी मॉड वैल्यू जो लूंगा मैं वो लूंगा मैं ऑफसेट वोल्टेज, किसकी वजह से, ड्यू टू इनपुट ऑफसेट वोल्टेज प्लस फिर मॉड लगाऊंगा मैं वी आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, किसकी वजह से, ड्यू टू इनपुट ऑफसेट करंट की वजह से उसका मॉड। तो ये वाला एक जो फॉर्मूला बनेगा मेरा ये जाके टोटल ऑफसेट ऑप्शन बनेगा। अब डिपेंड करता है कि क्या ये 10 नंबर का सवाल है, अगर 10 नंबर का है तो आज मैंने भी जो पढ़ाया आपको 30 मिनट में वो सारा आपको लिखना पड़ेगा, मतलब यहां तक डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे कोई 5 या 2 नंबर में सिर्फ ये पूछ रहा है कि भाई इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वजह से आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज बिकॉज ऑफ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, तो आप बस इतना प्रूफ करके आ जाइए, खत्म काम आपका, ये हो गया, इतना प्रूफ कर दीजिए आप, ये फर्स्ट पार्ट। और अगर आपसे पूछता है कोई कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफसेट करंट वोल्टेज ड्यू टू इनपुट ऑफसेट करंट, तो आप ये वाला प्रूफ कर दीजिए, इसमें सुपर पोजिशन थ्योरम लगाया, ये थोड़ा सा लेंदी है, क्यों लेंदी है, क्योंकि इसमें दो बायस करंट होती हैं, दोनों बायस करंट का क्या करना पड़ेगा आपको, अलग अलग बायस करंट का वोल्टेज सोर्स बना के सुपर पोजिशन लगाना पड़ेगा, इट विल टेक ए टाइम, तो ये 5 नंबर में आ सकता है आपको। अगर आपको इनपुट बायसिंग करंट दी है पॉजिटिव टर्मिनल पे और निगेटिव टर्मिनल पे और पूछा है कि भाई इनपुट ऑफसेट करंट बस बता दो, ये तो 2 नंबर का सवाल है, तो फिर क्या करना है, दोनों का डिफरेंस ले लेना। लेकिन इसमें मैंने अज्यूम क्या किया है, मैंने अज्यूम किया है कि पता है आई बी वन की वैल्यू क्या है, ये आई बी इनपुट बायस करंट पॉजिटिव करंट ना ग्रेटर देन आई इनपुट बायस करंट निगेटिव है, ये मेरा अजम्पशन है इसमें,
मतलब अगर ये ज्यादा है तो उल्टा कर दो, मॉड वैल्यू निकाल दो, ये भी निकाल के अगर लिख दो कि पॉजिटिव निगेटिव कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिफरेंस होना चाहिए दोनों का। इतनी स्टोरी क्लियर है। अब लास्ट में एक पॉइंट और बस इसके साथ बताना चाहूंगा आपको, ये पॉइंट है कि अभी मैंने बात की ना कि ये मेरा प्लस माइनस और यहां अलग अलग करंट है, यहां की करंट मैंने क्या मानी थी, इनपुट।